बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शनिवार को जालौन औरैया जिले की सीमा यमुना पुल पर सड़क किनारे खड़े डंपर के पीछे से एक बग के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। आपको बता दें कि औरैया शहर से सटे मिहोली होकर के गुजरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शनिवार को जालौन की तरफ से गिट्टी व मोरम लेकर के औरैया की तरफ डंपर आ रहा था। जैसे ही डंपर आया थाना क्षेत्र में औरैया जालौन की सीमा में यमुना पुल पर पहुंचा, जहां चालक ने सड़क किनारे खड़े डंपर को सुबह के वक्त घने कोहरे के चलते खड़ा कर दिया। तेज रफ्तार होने के चलते दूसरा डंपर पीछे से टकरा गया, जिससे डंपर चालक भिंड मध्य प्रदेश निवासी मथर प्रसाद पुत्र हरदयाल का पैर कैबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंचे यूपीडा के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाल करके एम्बुलेंस से 50 शैया युक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने हालत चिंताजनक होने के चलते उसे सिफई रेफर कर दिया। इस घटना के बाद जालौन की तरफ से गिट्टी लेकर के आ रहा दूसरा डंपर भी खड़े डंपर में पीछे से जा भिड़ा, जिसके बाद दो अन्य वाहन भिड़ गए। जालौन जिले के गाँव भरवा साहिबा निवासी चालक शैलेंद्र कुमार पुत्र फूल सिंह पाल कैबिन में फंस गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अयाना थाना पुलिस ने चालक को डंपर में फंसा देख कटर मंगवाया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद बॉडी काट कर बाहर निकाला गया। आपके साथ ही कभी हादसा हुआ है सड़क हादसा, क्या मामला है पूरा? मामला का एक्सीडेंट। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट जैसे हो गया कि गाड़ी दो लड़ी खड़ी थी और मेरे आगे आईसर थी गाड़ी, तो आईसर उन लोगों ने अटेंडम मतलब बैठा कर दी गाड़ी, मतलब बचाने के चक्कर में उन्होंने भी बचाया अपने आप को, उनने बैठा करी तो मैंने आगे मतलब देखा कि एकदम बैठा क्यों की उनने, तो हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक गाड़ी मानी नहीं, गाड़ी नहीं मानी तो एकदम मतलब एक्सीडेंट हादसा हो गया। कैसे हादसा हुआ मतलब उसके बाद आपको बचाने के लिए वहाँ पहुँचा? हमारे बचाने के लिए तो मुझसे पहले कहीं गाड़ी लड़ी थी तो उन लोगों ने फ़ोन पहले से ऑलरेडी लगा रखा था बुंदेलखंड यूपीडा वालों को, और हम फंसे तो हमारी कोई सुनी नहीं रहा था, सब लोग अपने मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में थे। यूपीडा वाले पुलिस भी आई, मतलब इन मतलब लेखा जोखा करते थे, मतलब हमको निकाला किसी ने नहीं। आपके आपके बचाव का उन्होंने प्रयास कोई नहीं किया? कोई प्रयास नहीं किया, चाहे वो यूपीडा वाले हो चाहे वो पुलिस हो कोई भी हो, उनने बचा मुझे निकालने का प्रयास नहीं किया। आप कितने घंटे फंसे रहे ट्रक के अंदर? दो घंटे निकालने का प्रयास कोई नहीं किया, बट बस जांच, क्या नाम है आपका, आपके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या गाड़ी मालिक का नाम है, क्या गाड़ी नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, और जांच करते रहे, निकालने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं गुरुसराय से, मैंने मतलब GSB भरा और मैं हरदोई जिला बिलग्राम जा रहा था। अच्छा, और आपके पिताजी का नाम क्या है? फूल सिंह पाल। आप कहाँ के निवासी हैं? भदवा। मतलब ये कहाँ पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट जालौन। अच्छा, फिर आपको उसके बाद किसने भर्ती कराया यहाँ पर? एम्बुलेंस लेके आई, भाई लोग आ गए थे हमारे गांव से आ गए थे, और उन्हीं लोगों ने, भाई ने और हमारे गांव से उन्होंने निकाला, और जैसे मैं निकला तुरंत एम्बुलेंस मुझको ले यहाँ लेके आई। अच्छा, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है? मतलब जो पुलिस वाले और यूपीडा वाले थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, बस बातचीत और जाँच करते रहे और बोलते रहे हेडरा आ रहा है, हेडरा आ रहा है, हेडरा आ रहा है, और हेडरा आया तब मैं निकल चुका था। अवस्था में एक व्यक्ति आए हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, मथुरा प्रसाद नाम के 40 वर्ष से एक व्यक्ति हैं, ये कोई ट्रक से जा रहे थे, उनकी गाड़ी कहीं लड़ गई है तो उसमें घायल अवस्था में इनको एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया, इनका उपचार किया गया, इनके दाहिने पैर में क्रश इंजरी है, बहुत ज़्यादा इंजरी है, उसको रिपेयर करने मतलब उसको बांधने के बाद, ब्लीडिंग चेक करने के बाद मैंने इनको सफाई के लिए रेफर कर दिया है, एम्बुलेंस आने वाली है उसमें चले जाएंगे, फिलहाल इनके वाइटल स्टेबल है। सर, ये कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं भिंड जनपद के निवासी हैं।